ये तो क्या हुआ सर कि दिस फेलो रोज इन द रैंक्स फ्रॉम ए क्लर्क एंड बिकेम ए डिप्टी कलेक्टर इन कंपनी. ओके. क्योंकि कंपनी हैड टेकन ओवर द टोटल पॉलिटिकल कंट्रोल ना आफ्टर 1857. यार इतना लंबा मत बताओ यार, उसको फास्ट बताओ जिससे कि जो है ना अपन अपने ओरिजिनल टॉपिक पे आ जाएं, क्योंकि अपना अभी जो है ना वी डोंट वांट टू डिस्कस राजा राम मोहन राव. वी डो नॉट, जस्ट अ मिनट, आप केवल उतना ही टेल दैट मच ओनली कि हाउ जो है ना ही हेल्प द मकाले एंड एडम इन क्रिएटिंग ए रिपोर्ट एंड डूइंग ए 3 ईयर सर्वे इन इंडिया इन विच दे हैव वेरी क्लियरली मेड आउट दैट देयर वाज नो बैगर नो पुअर पर्सन इन द कंट्री. इसने क्या कहा, किसकी हेल्प लेके इन्होंने इंडिया को स्टडी किया. उनको तो नेटिव लैंग्वेज आती नहीं है, इसलिए बोलना जरूरी था. जैसे आपको अंडरस्टैंड इसका रोल अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. ही न्यू द नेटिव लैंग्वेज, ही वाज फ्रॉम अ कुलीन ब्राह्मिन फैमिली, ही न्यू संस्कृत. तो उन्होंने बोला संस्कृत इतना रिच लैंग्वेज है. ब्रिटिशर्स ओपिनियन दैट की इंडिया में संस्कृत से मीडियम ऑफ एजुकेशन कार्यक्रम गुरुकुल और सब जगह संस्कृत मीडियम का एजुकेशन था. तो ये जो सिद्धार्थ वेदांत सब बात कर रहे थे, ऑल इन संस्कृत, ऑल इन संस्कृत टुडे आल्सो. उसने कहा कि साहब ये जो जाहिल लोगों को, इंडियन जो जाहिल लोग हैं, इनको अगर आप संस्कृत में पढ़ाओगे तो आप कभी भी इनको राज नहीं कर पाओगे. तो इसलिए इट इज नेसेसरी दैट की इंग्लिश एजुकेशन इज ब्रॉट इन, सो कि दे आर ब्लाइंड फोल्डेड फ्रॉम द देयर ओन एजुकेशन सिस्टम. एंड कोई मदरसा को डिस्ट्रॉय नहीं किया गया. सिस्टमेटिकली दे डिस्ट्रॉयड ऑल आवर गुरुकुल्स एंड ऑल आवर यूनिवर्सिटीज एंड ऑल आवर हायर एजुकेशन सेंटर्स. अभी भी आप उड़ीसा में जाइए, दिस एजुकेशन सिस्टम एग्जिस्ट इन उड़ीसा, बिकॉज उड़ीसा वाज नेवर इन्वेंटेड बाय मुस्लिम्स और नॉट इन. अच्छा राजेंद्र, तुम एक मदद कर सकते हो क्या? हाँ बताइए. जो गुरुकुल का जो पुराना 1835 का स्टैंडर्ड के बारे में और उनके बारे में लिटरेचर वगैरह इकट्ठा करने में आप कितनी मदद करना चाहते हो, क्योंकि 2024 के बाद जो है इंडियन एजुकेशन एक्ट विल बी डिमोलिश्ड, रिपील्ड, और इंडियन गुरुकुल एक्ट आने वाला है. और ये गुरुकुल एक्ट जो है एकदम अलग तरीके का होगा, क्योंकि इसमें आपके पास 5 मिनट टाइम है. ये इसके बारे में अपन एक बार अलग से बात कर लेंगे. गुरुकुल सिस्टम में 14 डिसिप्लिन होते थे. ओके. जो 18 इसको स्किल्स होते थे वो अलग बात है, वो ट्रेड्स होते थे. हमारी सिस्टम में क्या है कि 14 डिसिप्लिन होते थे. मैं बता दूं, 4 वेद थे. चार वेदों पे, वो वेदों की व्याख्या में करूंगा तो बाद में कभी बैठ के, किस किस वेद का व्याख्या है. आप कुछ जानते भी है, आप इसी कल्चर से बिलोंग करते हैं. उसके बाद हमारे पास षड दर्शन, 6 आस्तिक दर्शन है जिसको षड दर्शन बोलते हैं, ठीक है सर. और 3 नास्तिक दर्शन है जो कि त्रय दर्शन है, ठीक है. ओके. कितने हुए सर? 4 वेद, 6 आस्तिक दर्शन, 3 नास्तिक दर्शन, टोटल कितने हुए? 13 हुए ना सर. अच्छा, ओके. और जिस लास्ट फाइनल जो दर्शन है जो कल्बिनेट करता है वो है अद्वैत. ओके. तो ये 14 में आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, बायोलॉजी, मेडिसिन, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस 14 डिसिप्लिन्स. ओके. और हमारी इंडियन सिस्टम में फिलोसफी इज नॉट सेपरेटली, फिलोसफी इज ए पार्ट ऑफ एवरी सब्जेक्ट. Very true. मैं आपको फिजिक्स, क्योंकि आप इंजीनियर हो, मैं आप फिजिक्स का एग्जाम्पल देता हूँ. जी. 2 एग्जाम्पल देगा, मैं बाद में आपको, मैं इसलिए आई डोंट वांट टू टेक मच ऑफ योर टाइम. खाली इतना आप सुन लीजिए, दिस विल आपको गियर अप करे, जो आप मुझे बोल रहे हैं ना स्टडी करने के लिए, वो मैं कर चुका हूँ सर. जहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है बताइए, अपन इम्प्लीमेंट कर देंगे. नहीं, ये सब काम अपन 2024 के में ही करेंगे चालू. उसका रीजन ये है, तब जो है हमारे हाथ में इकोसिस्टम. देखो राजन, एक चीज मैं आपको और बता दूं, दैट विल इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस लेवल. देखो, एक चीज तो मुझे संदेह रह नहीं गया है कि हम 2024 में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित करेंगे. नंबर 1, एक चीज हम कहना चाहते हैं, नंबर 1. और ये पराजित करने वाले लोग जो है चंद्रगुप्त होंगे, और चंद्रगुप्त ये वो लोग हैं
जो अधिक से अधिक लोगों को क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप के माध्यम से जोड़ने का काम करेंगे। तो यदि एक व्यक्ति को जोड़ते हैं तो 100 प्रतिष्ठा पॉइंट मिलते हैं। यदि आप केवल एक व्यक्ति को जोड़ दें तो सिस्टम आपको मोहल्ला अधिकारी घोषित कर देता है। जैसे ही आप एक सेकंड, डेट विल इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस लेवल। इट इज ए जस्ट ए साइड जो है ना इनपुट विच विल इंक्रीज योर रिलेवेंस ऑफ अवर डिस्कशन एंड योर इंटरेस्ट एज वेल एज योर कॉन्फिडेंस, बिकॉज सिंस क्वाइट सम टाइम यू आर नॉट रियली फॉलोइंग मी, सो यू विल बी इन पोजिशन टू कम टू नो के वॉट हैज बीन डन ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो सभी राजनेता लगभग पराजित होंगे, ये भविष्यवाणी है, राइट? और कैसे पराजित होंगे वो भी हम आपको बताएंगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो कोई इमोशनल वर्ष नहीं है। इट इज़ ए वेल कंसिडर्ड, वेल थॉट ऑफ द स्ट्रेटेजी विच इज़ गोइंग टू मेक इट हैपन। लेकिन राजेंद्र, मुझे इस बात का भी एहसास है कि राज्यसभा में इन्हीं राजनेताओं, दुष्ट राजनेताओं की मेजॉरिटी रहेगी। इसका मतलब ये है कि हम जो है लगभग 4 साल हमारी स्थिति जो है पूरा कानून बनाने की सीमित रहेगी, राइट? क्योंकि ये दुष्ट राजनेता गैंग अप करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि आप जो है यू शुड बी सीन एज ए फेलवर, राइट? लेकिन ये इनकी सबसे बड़ी जो है ना ना मतलब ना समझी होगी कि यदि वो ऐसा सोचते हैं तो, ठीक है ना? तो उसके लिए वी हैव प्लान्ड कि हर चीज के ऑर्डिनेंस जो है 2024 तक बना के रख लिए जाएंगे। एंड जैसे ही क्राइम फ्री भारत मिशन जो है शपथ लेगा, नेक्स्ट डे जो है वो इकोसिस्टम विल बी इन प्लेस थ्रू ऑर्डिनेंस। क्योंकि हमें इस बात का रियलाइजेशन है कि हम कानून बनाने की क्षमता जो है फॉर क्वाइट सम टाइम तक ये राजनेता हमें अवरोधित करेंगे और करने नहीं देंगे, लेकिन हमें ये इकोसिस्टम विद इन 3 मंथ क्रिएट करना होगा। इसलिए जो गुरुकुल वाली बात आप कह रहे हो, इसको आप जो है ना रिफाइन करते रहिए। वी विल हैव द वेरियस डिस्कोर्स आल्सो, बट इट विल बी इम्प्लीमेंटेड विद इन 6 मंथ ऑफ जो है फॉर्मिंग ऑफ द गवर्नमेंट। और मुझे इस बात में कोई शंका नहीं है कि क्राइम फ्री भारत मिशन ही 2024 में सरकार बनाएगा। और ये सरकार जो है चंद्रगुप्त रहेंगे, और चंद्रगुप्त जो है वो है जो खुद जो है लोगों को जोड़ रहा है। तो चंद्रगुप्त जो बनना चाहता है ये उसे मेहनत करना है लोगों को जोड़कर, बस। और जो उसकी पूरी सोच है, रिसर्च है, ऑर्डिनेंस है, टेक्नोलॉजी है, वो सब मैथिलीशरण गुप्त ने काफ़ी कुछ बना लिया है। और बना जो जो गैप्स हैं उनको फिल करने में 3 से 6 महीने का समय लगेगा। 6 महीने बाद इट विल बी ए टेक्नोलॉजी ड्रिवन मिशन जो इस भारत को जो है ट्रांसफॉर्म कर देगा, और ये दुष्ट राजनेता जो है ये हार जाएंगे। दिस आई जस्ट नरेटेड टू यू जस्ट टू गिव द बैकग्राउंड कि हमने काफ़ी गहराई तक चीज़ें सोच के रखी हैं। नाउ शुड बी कम टू द ओल्ड ट्रैक, वहाँ पहुँचे फिर से अपन और अपनी बात जहाँ छोड़ी थी वहाँ से शुरू करें, ठीक है? तो इसमें जो है बेसिकली सिंस यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ ऑल बैकग्राउंड एंड कैसे जो है वर्किंग कमेटी में नेहरू को 0 वोट मिला, और महात्मा गांधी ने अपनी झेप मिटाने के लिए अंग्रेजों के इशारे पर सरदार पटेल को जो है ना फोर्स किया टू विड्रॉ हिज कैंडिडेचर, एंड फाइनली जो है जवाहरलाल नेहरू को वर्किंग कमेटी का प्रेसिडेंट भी बना दिया गया और इस देश का प्रधानमंत्री भी थोप दिया गया। और ये जो है सब कांग्रेस सॉरी अंग्रेजों के इशारे पर हुआ है। और उस समय हालात जो है, देखिए आई थिंक यू मस्ट बी अवेयर ऑफ राजेंद्र कि अंग्रेजों ने थ्योरेटिकली भारत को छोड़ने का मन 1948 का बनाया हुआ था। अंग्रेज रन अवे बिफोर देयर डिसाइडेड टाइम, क्योंकि हालत उनके बहुत खराब चल रही थी। देयर वाज ऑल अराउंड प्रोटेस्ट। आपको जानकर ताज्जुब होगा जो अंग्रेज जो है ना बिना किसी बड़ी गलती पे जो है ना लोगों को फांसी पे चढ़ा देते थे। जब जो है आजाद हिंद फौज का लाल किले में ट्रायल चल रहा था उस समय चारों तरफ बगावती तेवर थे, राइट?
जो है उस समय का जो कमांडर इन चीफ था लॉर्ड ऑचन लेक, राइट, क्लाउड ऑचन लेक, ही वॉज द इंटीग्रेटेड कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस, राइट। उसने और MI ने ढेर सारी रिपोर्ट वाइसराय बोबल को भेजी कि हालात बहुत ही खराब हैं, 1857 से भी ज़्यादा खराब हैं, यदि आपने आज़ाद हिंद फौज का ट्रायल कंटिन्यू किया तो अंग्रेजों को भागने का मौका नहीं मिलेगा। एंड लिटरली दिस क्लॉड ऑचन लेक ही हैज सबमिटेड वन ऑफ द एग्जिट प्लान कि विषम परिस्थितियों में यदि अंग्रेजों को भागना पड़ेगा तो मुट्ठी भर अंग्रेजों को लेके वो कैसे भागेंगे, और इस प्लान का नाम रखा था एग्जिट प्लान। और इस एग्जिट प्लान को बाकायदा लॉर्ड वाइसराय लॉर्ड बॉवेल के द्वारा अप्रूव किया गया था। मतलब जहां वो इतने डरे हुए थे, और 1948 के पहले, एक साल पहले ही भारत को छोड़ के भाग लिए, जहां उनका डर इतना ज़्यादा रियल था कि उन्होंने भारत से भागने का एग्जिट प्लान बनाया था। उस समय हमारा दुष्ट नेहरू और ये सब लोग जो है इस देश को जो है ना बांटने में लगे हुए थे, एंड दे डिड नॉट नेगोशिएट। और एक जो जवाहरलाल नेहरू, जिसे वर्किंग कमेटी में 0 वोट मिला था, जिसे गांधी जी ने इस तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश की कि यदि हम इसे प्रधानमंत्री नहीं बनाते सरदार पटेल के को हटा के, तो ये दुष्ट जो है अंग्रेज जो है कांग्रेस को बांट देता। तो राजन, मैं आपसे पूछता हूँ, जिस व्यक्ति को 1 वोट नहीं मिला है, उसमें इतनी शक्ति थी कि वो कांग्रेस को बांट दे? नहीं, व्हाट डू यू बांटे हैं फील? क्या उसमें? नहीं, जिसको यदि 1 वोट नहीं मिला है, वो डू यू फील कि ही वॉज हैविंग सो मच ऑफ द पावर? तो ये जो दलील दी गई है, ये मूर्ख बनाने वाली दलील है। डू यू एग्री कि ये रियली इट इज ए कॉनकॉक्टेड जो है ना क्रिएशन, क्योंकि वो जस्टिफाई करने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि अंग्रेजी बोलने वाले जो है अकेले जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, कैम्ब्रिज में पढ़े हुए अकेले जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, सरदार पटेल हिमसेल्फ वॉज ए लॉयर एंड ही वॉज ऑल्सो जो है ना गॉट हिज एजुकेशन फ्रॉम द कैम्ब्रिज ओनली। तो वो जो है कोई एरा खैरा नत्थू खैरा गाँव के गवाड़ी नहीं थे। ही वॉज हैविंग द सिमिलर कैपेबिलिटी एज ऑफ द जवाहरलाल नेहरू टू डील ऑल इंटरनेशनल मैटर्स। तो जो एक हवा क्रिएट की गई है कि नहीं, गांधी जो है नेहरू महान थे, वो अंग्रेजों से ज़्यादा अच्छे ढंग से बात कर सकते थे। हाँ, वो अंग्रेजों से बहुत अच्छे ढंग से बात कर सकते थे, क्योंकि वो एडमिना के प्रेमी थे। इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ हिज लैंग्वेज और कमांड। ये व्यक्ति तो इतना दुष्ट निकला कि 1946 के एक्सपीरियंस के बाद डायरेक्ट एक्शन के समय जिस तरीके से हिंदुओं की हत्याएं और उनके साथ रेप और किया गया है, सो वी वे आर हैविंग वेरी डायरेक्ट इविडेंस ऑफ 1946। ये दुष्ट व्यक्ति जो है कैसे एडमिना के साथ बुलेट फिल्म देख रहा था उस रात, 14 और 15 अगस्त 1947 की रात में। ये दूध पीते बच्चे को भी अनुमान लग सकता था कि उस समय जो है मैसेकर होगा। वाई ही डिड नॉट मेक ए प्लान? वाई डिड नॉट मेक ए प्लान? इसकी अपनी मर्जी थी, क्यों नहीं इसने प्लान बनाया कि जो व्यक्ति जो है पाकिस्तान से हिंदुस्तान आना चाहता है या हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाना चाहता है, वो अपनी संपत्ति के साथ यहाँ आ सके, और जो जो है वो संपत्ति है जो कि जमीन वगैरह है जो नहीं लाई जा सकती है, उसको बेचने का और उसके इक्विवेलेंट कंपनसेशन का प्रावधान भी उस प्रोटोकॉल में रखा जा सकता था। जो लोग यहाँ पहुँचे वो जान बचा के पहुँचे, जो थोड़ा बहुत जो 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 छिपा के ला पाए वो ला पाए। ये क्या शुद्ध जो है इस जवाहरलाल नेहरू की दुष्टता नहीं है? आई फील इट इज हिज दुष्टता। वट एवर द रिसोर्सेज वेयर अवेलेबल, इंक्लूडिंग आर्मी, पुलिस, फ्रीडम फाइटर्स एंड ढेर सारे जो है ना युवाओं के संगठन थे, स्टूडेंट्स के संगठन थे, इफ दे ऑल वुड हैव बीन डिप्लॉयड थ्रू ए प्रोटोकॉल प्रोसेस एंड डिप्लॉयमेंट, आपको लगता है कि 20 लाख लोग जो उस समय 14 और 15 की रात में मरे, वो मरते? नहीं सर। इज इट नॉट ए फ्रॉडनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट जो है ना डायमेंशन? और हम और आप अपने आप को विद्वान कहते हैं, हमें लज्जा नहीं आती है कि हम साले दुष्ट प्राणी हैं, अपने लाभ के लिए जीते हैं, हमें जो है ना छोटी सी अच्छी पोस्टिंग मिल जाए और हम इसके लिए इन दुष्ट राजनेताओं के चरण सेवक बनने के लिए तैयार हैं। ये हमारे बहुत छोटे चरित्र का परिचायक नहीं है क्या? नहीं, आई एम यूजिंग वेरी स्ट्रांग वर्ड, बट आई रियली मीन इट। सिंस यू आर एन IPS ऑफिसर एंड यू जस्ट रिसेंटली रिटायर्ड,
आई थिंक आई वुड लाइक टू नो योर व्यूज अबाउट इट। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो हम लोग अपने आप को इतना महान कहते हैं, हम बिल्कुल महान नहीं हैं, हम बिल्कुल चुरकट हैं, हम छदम चरित्र के लोग हैं, हमने सिविल सर्विसेज इसलिए दिया कि हमें एक अच्छा कैरियर मिले और हमेशा हम अपने अच्छे कैरियर को ही जो है ना चाहते रहे, हम इन दुष्ट राजनेताओं के चरण सेवक बन के हमें अच्छी पोस्टिंग मिल जाए, इसके बियॉन्ड जो है ना हम में से अधिकांश लोगों की सोच ही नहीं है। हमें अपनी विद्वत्ता पे शर्म आना चाहिए, इस देश का इतिहास बदल दिया गया और हम अपने आप को विद्वान कहते हैं, हमें लज्जा नहीं आना चाहिए। हमें जो है संविधान के आर्टिकल 109, 110, 111, 112 में जो है प्रोटेक्शन मिला हुआ है और सीआरपीसी की धारा 197 के तहत हमारे अपराध करने पर भी जो है न्यायालय संज्ञान लेने की क्षमता नहीं रखता है। हमें इतने सब ताकत देने के बावजूद भी हमने इस देश को क्या दिया? आप मुझे बताइए, क्या आप मुझे बताइए मिस्टर राजेंद्र, क्या इस देश के राष्ट्रपति को नोटिफिकेशन के जरिए कोई आर्टिकल पैदा करने की शक्ति संविधान ने दी है क्या? नहीं, तो आर्टिकल 35A ने कैसे जन्म लिया ये बताओ मुझे। यदि हम लोग राष्ट्रीयता के थे तो हमने ये तथ्य जो है वो कैसे सामने नहीं लाया? तो हम विद्वान कहाँ थे? हम तो खुदगर्ज थे, अपनी पोस्टिंग चाह रहे थे, अपना वो चाह रहे थे। हमें अपने आप को विद्वान कहने का हक है क्या? हमें अपने आप को देश प्रेमी कहने का हक है क्या? नहीं, मैं बात नहीं कह रहा। देखो, पैर पढ़ना इज नॉट ए रियल फिजिकल एक्ट। आई एम सेइंग कि वी डिड नॉट एक्सपोज देयर मिसडीड and probably we were also not fully aware of it because we were taught wrong things and हमारी नॉलेज भी उस गलत पढ़ाई हुई चीज तक ही सीमित था। probably we got very late the opportunity of इतना तो मैं अपने बारे में बता सकता हूँ कि ना तो मैं mentally physically किसी का पैर पड़ा कभी। दूसरी चीज़ है नहीं, लेकिन नहीं, आई एग्री विथ यू राजेंद्र, लेकिन मुझे ये बताओ, हमने किसी के पैर नहीं पड़े तो इस देश का क्या भला कर दिया हमने? नहीं कर पाए ना हम। मैंने जितना भला कर सका मेरे पूरे अपने कैरियर में उतना भला करने की कोशिश की, जितने लिमिटेड है। मैंने अपने आप को कभी विद्वान नहीं समझा। नहीं, हमें अपने आप को विद्वान भी समझना पड़ेगा और विद्वान बनना भी होगा। हमें जो है लोगों को समझाना भी होगा और ये लोग जो है चूंकि लेकिन इतने सालों तक जो व्यक्ति जो है भ्रम में रखा गया है। देखिए, मैं आपको एक बड़ी छोटी सी बात बताता हूँ राजेंद्र, बताओ मुझे कि एक हाथी का बच्चे को एक पतली सी रस्सी से बांध के रखा जाता है और जब वो भीमकाय हाथी में परिवर्तित हो जाता है उसी पतली रस्सी से जो है ना बंधा रहता है, जबकि उससे जो है ना 10 गुना ज़्यादा ताकतवर रस्सी को वो बड़ी आसानी से तोड़ सकता है, तो वो क्यों नहीं तोड़ता है? कंडीशनिंग है सर, एक बार आपको मेंटल कंडीशनिंग कर दी जाए। करेक्ट। सो इसका मतलब है कि इस देश की जनता को मेंटली इतना कंडीशन कर दिया गया है कि ये जनता ये भी नहीं मालूम है इसे कि दुष्ट अंग्रेजों के जो नियम कानून हैं इनके ऊपर थोपे हुए हैं। आप ये मुझे बताइए, आज भी क्या हम सब उन्हीं नियम कानूनों से नहीं बंधे हुए हैं जो कि अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए, उन्हें शोषित करने के लिए, उन्हें अपमानित करने के लिए और भारत की समृद्धि को लूटने के लिए बनाए थे, वही सब नियम कानून आज भी आप पे नहीं थोपे हुए हैं क्या? नहीं थोपे हुए, हाँ या नहीं बोलिए, कि नहीं तो फिर वो काउंटर डिस्कशन में चला जाएगा। तो अपन वी विल हैव द डिटेल डेलीग्रेशन। देखिए, जो बताना चाह रहा हूँ मैं, दो चीज आपको ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा। एक तो अपनी बात रुक गई थी जो गुरुकुल के बारे में बात कर रहे थे, उसको बाद में करेंगे। अब नाउ दैट टॉपिक इज क्लोज्ड, अपन अभी नहीं उसको अपन अलग से सेशन लेंगे ना। वी विल बी टेकिंग ए वेरी डिटेल सेशन डेडिकेटेड टू हाउ टू रिवाइव गुरुकुल सिस्टम, क्योंकि ये दुष्ट नेता जो है ये फ्रॉड वाले गुरुकुल की बातें कर रहे हैं। भाजपा फ्रॉड गुरुकुल की बात कर रही है, ये गुरुकुल का नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं गुरुकुल की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुनिए इंटेलेक्चुअली, आपको वो ट्रिगर करेगा बहुत सी चीजें सोचने के लिए। मैं केवल दो ही एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ।
इस सिस्टम से उन्होंने क्या कैसे हमको रूल किया हमारे सिस्टम से नहीं। कैसे अभी उन्होंने अभी किया अभी अभी राजेंद्र, अपन इन सब चीज़ों के ऊपर वी विल बी हैविंग ए डेडिकेटेड डिटेल्ड डेलीवरेशन, बिकॉज वी विल बी नाउ स्टार्टिंग, जस्ट ए मिनट, वी विल बी स्टार्टिंग डिटेल्ड डिलीवरेशन हैंस फोर्थ, राइट। कम से कम वीक में एक या दो डिलीवरेशन अपन कंपल्सरली रखेंगे, ठीक है, इफ यू आर हैविंग टाइम एंड इफ यू रियली विश टू डू दैट। ठीक है, तो अभी अभी अपन जरा इसको इसी लाइन पे लेके चलते हैं कि ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि अंग्रेजों ने जो भी नियम कानून बनाए थे वो भारत की समृद्धि को लूटने के लिए, भारतीयों गुलामों को जो है ना अपमानित हैं। देयर इज नो डिस्प्यूट। और ये दुष्ट नेहरू ने वो सभी चीजें आपके ऊपर गुलामों वाली यथावत थोप दी कि नहीं थोप दी? हाँ, वो आप बता रहे हैं मुझे सर, तो उसमें नेहरू एंड नेहरू लाइक माइंडेड पीपल। नहीं, अभी लोगों का नाम लेना उतना जरूरी नहीं है, लेकिन वो व्यवस्था आज हमारे ऊपर लगभग यथावत थपी हुई है, ये बात मानते हैं कि नहीं मानते? इसलिए बोल रहा हूँ, नेहरू एक स्कूल ऑफ थॉट है, ठीक है, उस स्कूल ऑफ थॉट में इस देश को स्कूल ऑफ उस थॉट, वो जो गुलामी आप जो भी कह रहे हैं, उस स्कूल ऑफ थॉट जैसे आप बोल रहे कि हम हाथी को बांध के रखेंगे, एक स्कूल ऑफ थॉट क्रिएट किया गया, उस स्कूल ऑफ थॉट राइट और रॉन्ग हो सकता है, और उसी थॉट में इस देश को चलाया गया। नहीं, लेकिन मैं आपसे दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं एकदम दूसरी बात कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, क्या आपके ऊपर अंग्रेजों ने जो भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए, शासित करने के लिए और भारत की समृद्धि को लूटने के लिए जो नियम कानून बनाए थे वो भी आप आज भी आपके ऊपर? मैं किसी भी चीज में अंग्रेजों को या किसी भी इन्वेडर को ब्लेम नहीं करता हूँ। अगर आप नहीं, हम ब्लेम ही नहीं कर रहे हैं, हम तो आपसे सिचुएशन ऑफ फैक्ट पूछ रहे हैं कि वो नियम कानून आप पर थुपे हुए हैं या सब हटा दिए हैं। नहीं, देखिए, नाउ यू आर गोइंग फॉर द करेक्शन प्रोसेस, अभी करेक्शन प्रोसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, वी आर एनालाइजिंग द स्टेटस विच हैज बीन इम्पोज्ड ऑन अस। नहीं नहीं, मैं सर आपको उसमें तो हिस्ट्री तो अपने आप जो घटित हो चुका है, तो उसको हाँ कहिए ना, आप उसको हाँ कहेंगे तो हम जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, क्या मैं तो 100% आपके साथ हूँ। चलिए ठीक है, हाँ तो सब कहा जाता है कि आई एम 100%, आपने जो रिसर्च किया है मैं आप बिल्कुल सहमत हूँ और मैं 100% रिसर्च को एंडोर्स करता हूँ। चलिए अब अच्छा, अब आप दूसरी बात, अब परंतु वाले के लिए अपन डिफरेंट सेशन रखेंगे, ठीक है ना। अब अपन सेकंड पॉइंट पर जाते हैं कि जो फ्रीडम फाइटर्स के बहुत बड़े गुनाह नहीं होते थे, वो बड़े मासूम से कुछ एक्ट होते थे, जैसे कि सरदार भगत सिंह ने जो है असेंबली में एक स्मोक बम फोड़ा, और हम और आप सब जानते हैं, टेक्निकल व्यक्ति भी हैं, कि स्मोक बम से किसी की जान नहीं जा सकती है, एंड ही डिड नॉट रन अवे आल्सो, ही सेड कि हमने ये देश को आकर्षित करने के लिए किया है, तो देश को आकर्षित। सर ये सब आपने जो बोल रहे हैं उसका पार्ट ही है, और इसमें बताइए सर, ये तो हो चुका है? नहीं, वो हो चुका नहीं है। हमें क्या करना है तो बताइए आप। वो दो मिनट बाद बताएंगे, दो मिनट मुझे और सुन लीजिए, फिर वी आर कमिंग ऑन दैट ओनली, राइट। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इन दुष्ट लोगों ने हमारे ऊपर वही प्रशासनिक व्यवस्था थोपी हुई है जो कि लॉर्ड थी, जो बने बिना किसी बड़े गुनाह के नियम कानून और कोर्ट का ढकोसला करते हुए जो इन मासूम फ्रीडम फाइटर्स को फांसी के फंदे पर चढ़ा देती थी, उस वही व्यवस्था आज हमारे ऊपर थोपी हुई है। बस मैं केवल इतना पॉइंट कहना चाहता हूँ। डू यू एग्री विद दिस? 100% सही सर। अब ये इसकी रेमेडी आपने को निकालना है। इसकी रेमेडी तो निकाल चुका है, मैं जो है ना क्राइम फ्री भारत मिशन में निकाल चुका है, उसको फील्ड में ट्राई करना है। करेक्ट। तो अभी जो है बेसिकली हमने ये माना है कि हमारी हर समस्या की जड़ ये हमारे दुष्ट राजनेता हैं, जो हमारे वोट से तो जीतते हैं लेकिन हमें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। डू यू एग्री विद दिस? मैं दो चार हाँ नहीं कहने के बाद देन वी विल गो टू द हाउ इट विल हैपन। मेरा हाँ है। अच्छा, आपका हाँ है, ठीक है। डू यू एग्री के ये राजनेता जिनको हमने राजनेता बनाया है, जिनको इनके कार्यकर्ताओं ने राजनेता बनाया है, इन दुष्ट राजनेताओं ने अपने ही कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने इनके लिए जुलूस निकाले, धरना दिए, लाठियां खाई और कई तो मर भी गए, जिन्होंने इन्हें राजनेता बनाया, मैंने किसी राजनेता को बनाया नहीं, और जो लोगों ने बनाया है
सही नहीं बनाया। नहीं हम तो ये कह रहे हैं, हम देखो देखो अब डोंट ब्रिंग इट टू द पर्सनल, अब वी आर ये मैं एनालाइजिंग जब पर्सनल बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं अपनी थॉट प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। मैं अपनी थॉट प्रोसेस में श्योर रहा हूँ कि मुझे इस टाइप का नेता को ना बनाना है ना सपोर्ट करना है, ठीक है। लेकिन सुनो हम मैं जो आपको, है, मैं हम अपनी अकेले राजनीति हम से नहीं अकेले हम बनाऊंगा सर। अकेले अकेले वी आर नॉट इन पोजिशन टू मेक ए डिफरेंस, राइट। क्यों तो मैं सर अकेले अकेले एक नेहरू अगर एक स्कूल ऑफ थॉट हो सकता है तो मेडिटेशन गुप्ता राजेंद्र प्रसाद क्यों स्कूल ऑफ थॉट नहीं हो सकते। नहीं, वी आर स्कूल ऑफ थॉट एंड वी आर डिटरमिन्ड टू, यू नो, हाँ मेक बस ए मैं अपने स्कूल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। थॉट की बात कर रहा हूँ, अपना मेरे घर के कोई काम नहीं है सर, मैं स्कूल ऑफ थॉट की बात कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल आपके स्कूल बिल ऑफ थॉट की बिल बात कर बिल रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो ये दुष्ट राजनेता हमारे वोट से जीत रहे हैं, जिन कार्यकर्ताओं ने इन्हें राजनेता बनाया है, आपने नहीं मैंने तो बनाया ना है, जिन ना ना तो कार्यकर्ताओं सर ने। हाँ मैं आप सुनिए सर, आप सुनिए, आप ये बोल दिए, मैंने तो ना तो कोई वोटर आईडी बनाया आज तक, ना किसी को वोट दिया हूँ, ना मैं बिलीव करता हूँ इस सिस्टम में। तो चलिए, विरासत में पैदा हुआ, तो जिस देश में पैदा हुआ हूँ विरासत में, तो उस व्यवस्था को मुझे सुधारना है। ये अपना देश है, आपको हमको सुधारना है नहीं, ना लेकिन हिस्ट्री लेकिन एक मिनट, अभी आप में। अभी अपन जस्ट ए मिनट, अभी अपन एक स्टेटस को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि स्टेटस को डिस्कस करने के बाद वी विल गो टू द हाउ वी विल बी चेंजिंग इट, सो एंड 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 हाउ इजी इट वुड बी, हम उसको पूरे उसमें जा रहे सर हैं। आपका एक स्कूल ऑफ थॉट है, आपका एक स्कूल ऑफ थॉट है, आप स्ट्रॉन्गली बिलीव करते हैं, अब आपको तो इम्प्लीमेंट करना है, खत्म कम, आई एम विथ यू। नहीं, ये जो डिलीबरेशन बात हम कर रहे हैं, ये पब्लिक एट लार्ज के लिए है, तो पब्लिक में हमें ये एनालिसिस को री इन्फोर्स करना पड़ेगा कि दिस इज द स्टेटस। हम ये स्टेटस हाँ जो सर, है जो ना, जो भी ये स्टडी देखो, आपने ये किया है, स्टेटस हम जो भी जो है स्टडी, राजेंद्र मिश्रा के लिए नहीं बता रहे हैं, ये स्टेटस जो है पब्लिक एट लार्ज के लिए बता रहे हैं। हाँ सर, मैं अपनी नौकरी किया था अपनी रोजी रोटी के लिए, मैं कोई किसी का गुलाम बनने के लिए नहीं किया था, क्योंकि मैं ऐसा परिवार से आता नहीं था कि जो मुझे मेरी माँ बाप बैठ के खिला सकते, खिला तो सकते थे, वो तो एक डिग्निफाइड लाइफ के लिए और जो व्यवस्था अवेलेबल था उस व्यवस्था का बेस्ट हमने लिया, जहां तक अचीव करना था किए, और हमने परंतु अपने आप को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया सिस्टम में, ना तो किसी नेता के पैर पकड़े, ना किसी को जाके हमने कहा कि सिफारिश किया मुझे ये पद दे दो ना, और मुझे जितना करना था मैं अपने विभाग के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश राजेंद्र, के लिए, वी नीड के। मैनी राजेंद्र, वन राजेंद्र से काम नहीं हाँ चलेगा। तो सर मुझे जो जो मैं आपको स्ट्रॉन्गली आपको बिलीव अपने किया, जैसे ढेर सारे राजेंद्र को खोज के जोड़ना पड़ेगा। हाँ वो तो ट्रू है सर, अब तो अपन तो फुर्सत में आ गए, अभी अपन अभी जरा जो अपन, राजनेताओं के चरित्र को एक मिनट के अंदर खत्म करके देन वी विल गो अवर मेथोलॉजी टू चेंज इट, राइट। सर बिकॉज उनके बारे में, सर इनके बारे में ज्यादा बात करके जो जो चीज हो नहीं, चुकी है, जो जो ये जो है हम बेसिकली, अपना समय नष्ट कर रहे हैं सर नहीं, इनके हम बारे में बात बिल्कुल न करके। समय नष्ट नहीं कर रहे हैं, हम अपने भोले भाले लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ दुष्टता की गई है। मैंने तो कह दिया सर, आपने जो रिसर्च किया है आई एम विद यू, दैट्स ऑल। मुझे ये आपको, जो हम मैं आपको डेलीवरेशन डिलीवर कर दूंगा, रहे हैं राजेंद्र, ये नहीं मैं डेलीवरेशन डिलीवर आपके मैं लिए सर नहीं आपको है, ये डेलीवरेशन पब्लिक के लिए है। तो है ना सर, तो जब पब्लिक में जाएंगे तो चर्चा करेंगे आप, तो मैं तो हमारी बता तो हर चीज एग्रीमेंट हूँ पब्लिक में जो आप जो जाती बोल रहे है, हैं हमारी हर चीज पब्लिक में जाती है। चलो, अच्छा, इसको समाप्त करते हैं। तो इन इन राजनेताओं ने मूर्ख बना के, ये पार्लियामेंट के अंदर पार्टी भिप से बंधे हुए हैं, पार्लियामेंट के बाहर ये पार्टी डिसिप्लिन से बंधे हुए हैं। अभी नू सर। अभी मेरी बात अभी सुनिए, अभी मेरी बात नूपुर सुनिए, शर्मा ने, जस्ट ए मिनट, अभी नूपुर शर्मा ने कोई गलत बात नहीं कही थी, इसके बावजूद भी इन दुष्ट राजनेताओं ने उसे ना केवल जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से हटाया, बल्कि उससे प्राइमरी जो ना पद से भी हटा दिया, प्राइमरी मेंबरशिप से भी हटा दिया। ये इतने दुष्ट हैं राजनेता, और ये राजनेता सर मैं टिकट, दूसरों के बारे में नहीं जानता हूँ, मैं एक एक चीज आपको स्पष्ट बता देता हूँ कि आपकी जो संविधान बना है सर, और उस संविधान में जो चीज लिखा है शुरू में, वी द पीपल, मुझे बाकी तो आर्टिकल क्लॉज का तो मालूम नहीं सर, उसके बारे में डेलिबरेट की जाती है, डिस्कस नहीं है, परंतु वी द पीपल हमने एक डेमोक्रेसी में हम लोगों की सरकार है और जो भी करना है हम ही को करना है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। चलिए, तो अपन जंप करते हैं ये प्रज्यूम करते हुए कि ये सब दुष्ट राजनेता हैं, ये फ्रॉड करके फ्रॉड लोगों को टिकट दे रहे हैं, जिनको ज्यादा पैसा जो इनको देते हैं उनको विरासत टिकट में दे सर, देते हैं, विरासत में माफिया आपको को टिकट दे विरासत देते हैं, अपराधियों को टिकट सर, देते ये हैं, मैं बाहुबलियों मेरी को टिकट देते बात हैं, सुनिए सर, सर ये दुष्ट लोगों को टिकट देते हैं और छद्म नीति से जीतते हैं, ये बात कहने के। एक पुरानी सही है सर, यू कैन नॉट चेंज हिस्ट्री, ठीक है, बट यू कैन लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री, ठीक तो है, इसलिए तो समझा रहे मैं हैं वही कि कह रहा सीख हूँ। लो, समझ लो, जान लो, हे भारतीयों, तुम्हें मूर्ख बनाया गया है, ये भारतीयों को हाँ तो समझाने के लिए इतिहास कहा तो जा बदल रहा नहीं है। सकता है, तो वो तो हो चुका है सर, अब इतिहास से आपने क्या सीखा और आगे का ये चीज रिपीट ना हो, वो बोलते ना
who doesn't learn from history, his future is doomed. Very true. चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं कि हम इन दुष्ट राजनेताओं को कैसे पराजित करेंगे, क्योंकि यही सभी समस्याओं की जड़ है। सारा दुष्टों का तो नाश होना चाहिए। और यही तो भैया पहले दुष्ट को डिफाइन कर लेते हैं ना, ये राजनेता ही हमारे असली दुष्ट हैं, ये ही हमारी सभी समस्याओं के जनक हैं, ये ही व्यक्ति जो है इनमें से अधिकांश अनपढ़ गंवार अपराधी दलबदलू बाहुबली हैं जो आम जनता पे अत्याचार कर रहे हैं। आम जनता की जो है ना, लोग हैं जो इंटेलेक्चुअल लोग क्या कर रहे हैं बैठ बैठ के। हाँ, वो जो इंटेलेक्चुअल लोग जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो बहुत बड़े दुष्ट लोग हैं, वो राष्ट्रद्रोही लोग हैं, वो हाँ वो जो है सिर्फ अपने लाभ के लिए जीते हैं। उन्हें छोटा सा फायदा मिल जाए वो इसलिए जीते हैं। जागृति सर उनमें लानी है, जागृति। पॉलिटिशियन तो अपने आप ही चुप बैठ जाएगा। हमारा मॉडल कह रहा है कि उनमें जागृति नहीं लाना है। हमारा मॉडल कह रहा है कि विद्वानों को, चूंकि वो ज्ञानी हैं, उनमें आप जागृति लाने की क्षमता नहीं रखते हैं, क्योंकि वो अज्ञान नहीं है, उनमें ज्ञान की कमी नहीं है। जो आदमी सामने बैठ के अन्याय को सहे, उससे बड़ा अज्ञानी दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। राजेंद्र, अलाउ मी टू एक्सप्लेन द फिलोसफी दैट विल हेल्प यू टू। कबीर ने क्या कहा है, किताब मड़मड़ पढ़ पढ़ मोया, पंडित भय ना कोई, गाही रखे प्रेम के। तो ये जो कबीर ने सर जिस्ट में कह दिया, खाली किताब पढ़ के बड़े बड़े डिग्री लेने से कोई इंटेलेक्चुअल नहीं बन जाता है सर। यू हैव टू अंडरस्टैंड द रियल फीलिंग्स ऑफ पीपल, देयर कंसर्न, उनकी सफरिंग्स, तभी जाएंगे आप। आपकी बात से मैं 200% सहमत हूँ, बट मैं केवल इतना ही कह रहा हूँ कि चूंकि जिनको आप आज विद्वान कह रहे हैं ये दुष्ट प्राणी हैं, ये अपने लाभ के लिए। कबीर को विद्वान कहता हूँ, कभी कभी तुलसीदास को विद्वान कहता हूँ। तो अब तुलसीदास जी नहीं है ना, वो तो मर गए हैं ना। कबीरदास जी नहीं है, अभी जो विद्वान है उनकी बात कर लेते हैं। वो एक स्कूल ऑफ थॉट है सर। अरे यार, उसी स्कूल ऑफ थॉट की बात कर लेते हैं। देखो, आज जो सो कॉल्ड विद्वान आज जो है ये टीवी चैनल पे बैठ के जाला पट्टा लगा के बैठते हैं, हम उन विद्वानों की बात कर रहे हैं। कोई ये तो स्कूल ऑफ थॉट है क्या सर? स्कूल ऑफ थॉट जो है, हमारे जो स्कूल ऑफ थॉट है, हमारे रोल मॉडल से दुनिया में, जीवन में, ठीक है। मैं तो अच्छा, आपकी भाषा विद्वान की क्या है वो बता दो तुम मुझे। और आपके यहाँ कोई विद्वान है कि नहीं है या सभी अज्ञानी है? नहीं नहीं नहीं, ढाई अक्षर प्रेम के तो फिर हमारे चंद्रगुप्त हैं फिर तो। वो जो है ना, हम तो उन विद्वानों को कह रहे हैं जिन्होंने डिग्रियां प्राप्त की हैं, जो राजनेताओं के चाटकार बने हुए हैं, जो टीवी सीरियल पे अपना जो टीवी सीरियल पे जो है ना बैठ। अरे वो समझ गए यार बात को, उसको 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 जो है ना आउट ऑफ रिलेवेंस बात कहोगे तो कोई फायदा नहीं निकलेगा। तो हम तो जो आज के विद्वान हैं उनको कह रहे हैं कि ये विद्वान नहीं है, ये खुदगर्ज लोग हैं, देशद्रोही लोग हैं, अपने लाभ के लिए जीते हैं, इन हमारे ऊपर जो है ना फ्रॉड तरीके से जो है ना हमारा इतिहास बदल गया, ये विद्वान चुप बने रहे। वो तो फ्रॉड है। तो मैं वही कह रहा हूँ, उन फ्रॉड विद्वानों की बात कर रहे हैं। इन ये फ्रॉड विद्वान जो है हमारे किसी काम में एक्सपोज करना, फ्रॉड को और क्या करना। देखो, एक्सपोज करने में हमें एनर्जी खर्च नहीं करना है, हमें उन्हें पत्थर मान लेना है और उनको छोड़ के बाकी भोले भाले लोगों को जोड़ना है और उन्हें चंद्रगुप्त बनाना है। कमेंट्री में कहते हैं सर, क्रिकेट कमेंट्री में गावस्कर को टर्नीटर के बारे में ये कहा जाता था कि उनके बारे में कोई कमेंट करता है वो मुंह से नहीं बोलते थे, वो अपने बैट से बोलते थे। ये बैट का आंसर जो है पब्लिक के लिए हमें शब्दों में भी व्याख्या करना पड़ेगी, जिससे कि जो दूध के जले हुए लोग हैं, जो निरीह प्राणी बन गए हैं, जिन्हें इन्होंने मूर्ख बना लिया है, जिन्हें इन्होंने फ्री भी बांट बांट के जो है उनके आत्मसम्मान को खो दिया है, ऐसे लोगों को हमें जगाना है, ऐसे लोगों को हमें आगे लाना है, ये बात हमें और आपको समझना होगी। लिहाजा ये बात राम, तो राम से बड़ा सा राम का नाम। तो फिर राम राम करो ना, फिर क्या करना है? फिर राम राम करते रहो और अपना कल्याण कर लो, दूसरों का कल्याण तो होगा नहीं।
सामंजस्य के हिसाब से एक स्कूल ऑफ थॉट बनाना पड़ेगा जो कि प्रैक्टिकल होगा, और वो जो है पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ेगा और वो जो है जीत के दिखाएगा, दिस इज द न्यू स्कूल ऑफ थॉट। और उसके अच्छा चलिए मैं 1 2 3 करके बताता हूँ करना क्या है। राइट, क्राइम मुझे एक बताइए सर, मैं बहुत सीमित दिमाग का आदमी था, आज ये एक काम करना है, 4 दिन में ये करेंगे, अपन चालू करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको जो है सिस्टमेटिक जो है पूरी चीज बताता हूँ। नहीं तो, मुझे सर मुझे एक ही चीज बताइए, मैं वो चीज करके आऊंगा, फिर दूसरी चीज मुझे बताइए। हाँ तो जो चीज करना है वो बता रहा हूँ ना आपको, पहले आपको करना है, पहले करना है क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को ज्वाइन करना है, जिसकी मैं लिंक आपको भेजूंगा, ठीक है ना। नंबर वन। नंबर टू, मैं आपको क्राइम फ्री भारत की यूट्यूब चैनल की भी लिंक भेजूंगा, जिसमें इस समय लगभग 2000 के लगभग हमारे ऑडियो वीडियो अवेलेबल हैं, जो विभिन्न फिलॉसफी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। आगे चल के आपसे चर्चा के वीडियो ऑडियो भी उसमें जुड़ेंगे। राइट, तो उससे जो है हमारे आपसे अनुरोध ये है कि चूंकि आपने बहुत रिसर्च की है, तो आप उन वीडियो को सुन के यू कैन पुट योर इनपुट, योर इनपुट विल बी ए ग्रेट जो है ना थिंग्स, एंड देन दे विल बिकम द वो कर लेंगे अपन, वो तो कर ही लेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात कोई दिक्कत अभी इसको थोड़ा लॉजिकल एंड तक ले जाएं, फिर अपन जो है ना बैठ के बात। ये दो काम दे देना सर, ये दो काम पहले करते हैं, फिर बाद में मैं आकर करूंगा। नहीं, ये दो काम से काम नहीं चलेगा, जो असली काम करना है वो मैं आपको काम नहीं, मैं तीसरा काम मना कर रहा हूं, तो मैं पहले दो काम कर लूं। ये तो अभी एक सेकंड में हो जाएंगे, मैं आपको लिंक भेजूंगा, आप जुड़ जाओगे, उसमें कौन सा बड़ा काम है सर। एक सेकंड सर, कॉल बैक करता हूं। ये 2 मिनट में अपन लॉजिकल खत्म करके फिर आप बात कर लीजिए उसको, यू कैन कॉल हिम बैक, बिकॉज ये बात जो है ना बड़ा क्रिटिकल एंड पे है। किसी को पीए को बुलाया था, वो आ गया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपसे। अच्छा चर्चा करता हूँ, एक मिनट अपन बात को लॉजिकल एंड पे ला जाके खत्म कर दें क्या। हाँ हाँ सर बताइए, कंट्रोल कर दीजिए। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि पहला काम है कि क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप से जुड़ना है, दूसरा काम है कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके एक वीडियो देखना है, और उस पर आपके डिटेल कमेंट वुड बी हेल्पिंग मी टू इंटीग्रेट योर थॉट प्रोसेस इन अवर थॉट प्रोसेस। राइट, दैट इज नंबर टू। नंबर तीन जो है, इसमें एक शपथ पत्र है, वो शपथ पत्र आपको भरना है। उस शपथ पत्र में जो है ना यही सब बातें लिखी हुई हैं कि सोमवार को अपने जो है परिवार के सदस्यों को जोड़ना है, मंगलवार को अपने मित्रों को जोड़ना है, पड़ोसियों को जोड़ना है, बुधवार को जो है अपने रिश्तेदारों को जोड़ना है, गुरुवार को अपने सर्कल, विभिन्न सर्कल जिनसे अपन अभी थ्रू आउट द लाइफ कनेक्टेड रहे हैं उनके लोगों को जोड़ना है, शुक्रवार को हमें युवाओं और विद्यार्थियों को जोड़ना है, शनिवार को हमें वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ना है, और रविवार को हमें सामाजिक सेविक समाज सेवी संगठनों को जोड़ना है। ऐसा डे वाइज जो है एक शपथ पत्र है, और इसके माध्यम से यदि सब लोगों ने जो ये बातचीत कर रहे हैं इसको ऊर्जाकृत करना कहते हैं, तो हमें लोगों को ऊर्जाकृत करके संकल्पित करके जोड़ना है। जब ये लोग ऊर्जाकृत होके संकल्पित होके जुड़ जाएंगे तो हम आसानी से 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। तो यदि हम आज शुरू किए हैं और 9 लोगों को जोड़े तो आज हम 10 हो गए, कल 100, परसों 1000, नरसों 10,000, फिर 1 लाख, फिर छठवें दिन 10 लाख, सातवें दिन 1 करोड़, आठवें दिन 10 करोड़ और नौवें दिन 100 करोड़। और ये कई बार लगता है कि सब बड़ा मैकेनिकल कह रहे हैं, इतना आसान नहीं है, कठिन है। तो हम ये भी कहना चाहते हैं कि ये बिल्कुल आसान है।
नौवें दिन 90 करोड़ लोग जो जुड़ रहे हैं वहाँ, नौवें दिन संकल्प पूरा हो रहा है, इसका मतलब है 90 करोड़ लोगों को सिर्फ खुद जुड़ जाना है। यदि वो एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ेंगे तब भी उनका संकल्प पूरा हो जाएगा। अब यदि हम 8 और 9 दिन के जो ना दो दिन को जोड़ते हैं तो 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं और जुड़ने वालों की संख्या 99 करोड़ है। इसका मतलब है एक व्यक्ति 0.9 व्यक्ति को जोड़ रहा है। इसका मतलब है कि यदि पति अपने पत्नी को जोड़ ले और पत्नी अपने पति लोग को जोड़ ले, इतना मात्र से 99 करोड़ लोगों का संकल्प पूरा हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त जिन्होंने चालू किया उन्हें 90 लोगों को जोड़ना है, जो 9 लोग जुड़े हैं उन्हें, उनके पास 8 दिन होंगे तो उन्हें 80 लोगों को जोड़ना है, 90 लोगों को। चलिए ठीक है, तो आपको जो है ये जोड़ने की प्रक्रिया और शपथ पत्र के हिसाब से चालू कर दीजिए और फिर हम फेस टू फेस डिलीवरेशन करेंगे, जिससे कि जो है चीज जो है इसको हम बहुत जल्दी लॉजिकल एंड पर पहुंचाएं और जो राजनीतिक जो लोगों को जोड़ेंगे उसके हिसाब से वो चंद्रगुप्त घोषित होगा और चंद्रगुप्त के पास जो गोपनीय राजनीतिक पार्टी है वो खुद जाके हाईएस्ट प्रतिष्ठा पॉइंट वालों को टिकट बांटेगी। तो टिकट लेने आपको नहीं जाना है, टिकट आपके दरवाजे पे जाएगा और फिर जो है प्रचार का सिस्टम इसमें नहीं रखा गया है, आम सभाएं नहीं होंगी, कुछ नहीं होगा। जो लोग जुड़े होंगे वो अपने छत पर, अपने जिसके पास छत नहीं है वो चबूतरे पे, चबूतरा भी नहीं है तो दरवाजे पे खड़े होकर थाली बजाकर दीपक जला के शंखनाद करते हुए वो अपने चंद्रगुप्त के फेवर में संकल्प करके उन्हें जिताएंगे और ये अधिकांश राजनेताओं की जमानतें जब्त होंगी। बस इतना ही संदेश था, आप अपना काम खत्म कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड डे।